बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें अभी ये 3 कत्ल हो गए हैं। बेसिकली आज से 1 माह कबल, टू बी एग्जैक्ट 1 माह 4 दिन कबल, 11 जनवरी को ये पीछे आप देख रहे हैं कि गली जो है वो बन रही थी, काम हो रहा था उसका, तो उसके ऊंचा नीचे रखने के ऊपर जो है ना दो हमसायों के दरमियान तनाज़ा हो गया, जिसमें एक सुल्तान और दूसरा सरवर है, सुल्तान का घर है और पीछे इनके सरवर का घर है। तो उस तनाज़े की वजह से इनके यहाँ पे पहले एक राहगीर समेत 4 कत्ल हुए थे और आज बदकिस्मती से 1 माह के बाद दोबारा जो दूसरी पार्टी है उन्होंने घात लगा के ये साथ वाले घर में बैठे हुए थे, वो जो सामने आपको बैठक नज़र आ रही है उसके अंदर बैठे हुए थे ये। तो जो ही ये घर से बाहर निकले हैं तो उसी वक्त इनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है, जिसके नतीजे में इनके गनमैन समेत जो है वो 3 अफराद जो हैं वो कत्ल हो गए हैं। मैं मौके पर मौजूद हूँ, हम इनके हाइड आउट्स के ऊपर रेड कर रहे हैं और आज रात को भी जो गुज़श्ता रात थी 11 बजे SHO साहब ने अपनी नफरी के साथ दोनों घरों के ऊपर रेड किया था, लेकिन बदकिस्मती से वो जो कातिल थे वो गिरफ़्तार ना हो सके, किसी चीज़ की उन्होंने आड़ ले ली और सुबह ये वाक़या हो गया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कल्प्रिट्स हैं उनके साथ सख्ती से निपटें, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लें और जहाँ जहाँ पे भी हमें इतलात हैं हम हाइड आउट्स के ऊपर जो है वो पुलिस के रेड्स कर रहे हैं, इनको अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया है, PFSA की टीम्स शवाहद इकट्ठे करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो बाज़ार ये वाक़या जो है वो एक दुश्मनी का आपस में इनकी चपकलिश का शख्साना है। बाकी हम मौके पर मौजूद हैं और इनसे जो भी इंफॉर्मेशन है वो ले रहे हैं और उस इंफॉर्मेशन की रोशनी में जो पुलिस एक्शन है उसको हम कर रहे हैं। थैंक यू।